हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आए हैं काशीपुर, और ये है काशीपुर का प्रिया मॉल, जहाँ कि हमें नहीं जाना था तो हम आ गए हैं। अब उसके बाद SRS मॉल, जहाँ कि हमें जाना था, और वहाँ आते ही सबसे पहले ये पड़ी है ज्वेलरी की एक शॉप, जहाँ पे कि बेहतरीन ज्वेलरी, ये देखिए बहुत ही सुंदर बैंगल्स हैं और ब्रेसलेट्स हैं, मतलब इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये, और इयररिंग्स वगैरह वगैरह जो भी हैं बहुत ही सुंदर हैं। बट मुझे अभी किसी भी चीज़ की नीड नहीं है इनमें से, तो मैंने खरीदी तो नहीं की, बट वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं मॉल अंदर से कैसा है, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे आने के लिए, मैंने दीप्ति से पूछा था, मैंने कहा काशीपुर में कोई मॉल वगैरह है जहाँ पे कि हम मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, तो उन्होंने SRS सजेस्ट किया हमें। तो फ़िलहाल हम कर रहे हैं यहाँ पर लिफ्ट का वेट, और लिफ्ट भी आ चुकी है, जिससे हमें जाना है 3rd फ्लोर पर, जहाँ पर कि हम लेंगे टिकट्स वगैरह की। तो हम मूवी देखने आए हैं आज SRS सिनेमाज में। तो गाइज, हमारे साथ ही ऐसा होता है, मूवी देखने कोई और सी आई थी देखनी पड़ रही है कोई, और मूड ख़राब हो गया मेरा तो पहले ही आते ही। अब फ़िलहाल कुछ खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एंटर हो चुके हैं अभी फ़िलहाल कुछ खाने के लिए, चाइनीज़ तंदूरी स्नैक्स करके कुछ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अंदर क्या है कैसा है। तो फ़िलहाल हम आ गए हैं, और अभी मेन्यू वगैरह हम डिसाइड करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कुछ यहाँ पे जो है कि बच्चों के, बड़ों के खेलने के लिए कुछ यहाँ पे टॉय कार्स वगैरह रखे हुए हैं, गेम्स वगैरह रखे हुए हैं। अभी इनसे कौन चलता है कौन नहीं चलता वो हमें नहीं मालूम है, बट कुछ इस तरीके का है। इधर को वैभव कह रहा है कि मुझसे मम्मी ये टेबल टेनिस है तो इसको थोड़ा खेलते हैं, बट अभी मैंने कहा नहीं, क्योंकि मूवी का भी टाइम हो रहा है और मूवी की टिकट हम ले चुके हैं। एक्चुअली हम आए थे गदर 2 देखने, बट हाउसफुल होने की वजह से हमें देखनी पड़ रही है अब OMG 2। तो चलिए आए हैं, तो मैंने कहा देख लेते हैं गदर 2, फिर देख लेंगे। तो फ़िलहाल जब तक हमारा खाना आ रहा है, तब तक हम ऐसे ही इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और वैभव का मन तो हर जगह जा कर के कुछ ना कुछ करने का करता ही है। तो ये महाशय बैठ चुके हैं सीट पे। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं वापस हम अपनी सीट पे घूम घाम के, टहल के, बट अभी खाने का हम वेट ही कर रहे हैं क्योंकि खाना नहीं आया है। और फाइनली दोनों बाप बेटों ने मंगा दिया है साउथ इंडियन डोसा और सांभर, और उसके साथ लेमन कह रहे हैं, लेमन सोडा, जो सॉल्टी स्वीट दोनों में मंगा रखा है। मैंने कहा तुम ही मंगाओ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है एक्चुअली। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा ना मूड थोड़ा वाकई में ख़राब सा हो गया। एक्चुअली मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, ज़्यादा टाइम ऐसे ही होता है, मतलब मूवी कोई और देखने आए थे, घर से मन बना के किसी और के लिए आए थे और देखनी पड़ रही है कोई और, क्योंकि हम शाम तक ना वेट भी नहीं कर सकते हैं। फिर देर रात शाम की टिकट तो हमें मिल सकती है, बट हम ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे अभी। तो अभी मूवी शुरू होने में है कम से कम 15 to 20 minutes, तो हमने सोचा तब तक कुछ ना कुछ खा लिया जाए, उसके बाद जाएंगे आराम से मूवी देखने, और फ़िलहाल करते हैं खाना। तो फाइनली एक फ़ोटो हो जाए हमारी, क्योंकि आए हुए हैं फैमिली के साथ तो एक फ़ोटो तो बनती है। और ये आ चुका है फ़िलहाल हमारा खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, खाते हैं खाना और मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस, खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं, और मूवी शुरू होने में है बस 5 मिनट। तो फ्रेंड्स, मूवी की टिकट हमने पहले ही कलेक्ट कर ली थी, और अब हम लंच वगैरह करके आ चुके हैं। मूवी स्टार्ट होने में, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, 5 मिनट्स लेफ्ट, और वैभव इस एरिया को देख के कह रहा है मम्मी PVR को टक्कर दे रहा है। मैंने कहा किस एंगल से दे रहा है, मुझे तो PVR जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो चलो, उसे लग रहा होगा फिर वैभव को, अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, मूवी स्टार्ट हो चुकी है, और मैंने वैभव से पूछा कुछ आपको पॉपकॉर्न वगैरह कुछ चाहिए, तो पेट भरा हुआ है, तो उसने भी कहा मम्मी इंटरवल में देखेंगे, फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे खाने पीने को। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम एंटर हो चुके हैं हॉल के अंदर, और मूवी भी स्टार्ट होने में बस कुछ ही पल रह गए हैं। तो फ़िलहाल हम ढूंढते हैं अपनी सीट और
शेखर चल रहे हैं अंदर, क्योंकि टिकट्स वगैरह उन्हीं के पास है तो उन्हीं को मालूम है कहाँ पे हैं। और शायद हमें मिली है बैक एकदम लास्ट वाली सीट, क्योंकि फ्रंट वाली तो वैसे भी अच्छी नहीं होती है, तो हमें और आगे जाना है। तो फाइनली मिल चुकी है हमें हमारी सीट और हम पहुंच चुके हैं अपनी सीट पे। तो फ्रेंड्स, लास्ट सीट पे देखने का ना अलग ही आनंद होता है, इसीलिए मैंने इनसे कहा था। और एक्चुअली हुआ क्या ना, हम घर से बुक कर लेते टिकट्स, हमने सोचा क्या पता हम टाइम पे ना पहुंच पाएँ, क्योंकि संडे है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने घर से टिकट बुक नहीं की थी। तो फाइनली हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और कोई बात नहीं, ये नहीं तो वो सही। और अब इस मूवी को इन्जॉय करेंगे, पता चलेगा कि कैसी है। OMG सेकेंड, OMG फर्स्ट तो बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। मतलब जब भी TV पर आती है हम देखते रहते हैं उस फिल्म को। और गदर टू तो मुझे बहुत, सॉरी गदर वन मुझे बहुत अच्छी लगती थी गदर, तो इसलिए मेरा मन था कि मैं गदर टू देखूं। बट फिलहाल हो चुकी है मूवी एंड। तो गाइस, बज चुके हैं शाम के 6 और मूवी देख ली है। मूवी कैसी लगी ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी तसल्ली से। फिलहाल हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं यहाँ पे तीनों, और एंड वी आल्सो ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो दोस्तों, फाइनली पहुँच चुके हैं हम घूम घाम के, मूवी देख करके, खाना खा के। तो हमारा जो वीकेंड, जो हमारा संडे रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मस्त रहा। तो मैं शेखर को कहती रहती हूँ कि कभी कभार ऐसे बीच बीच में निकलना चाहिए हमें बाहर, तो मतलब मन ना थोड़ा खुश हो जाता है बाहर निकल के। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया, मूवी देखनी थी हमें कोई और, लेकिन एन वक्त पे हो गया हाउसफुल, तो हमने देखी कोई दूसरी। क्योंकि हम यहाँ से टिकट कर सकते थे ऑनलाइन बुक, बट हमने सोचा अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे तो फिर वो टिकट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वहीं जाके ले ही लेंगे टिकट करके, तो लेकिन हाउसफुल हो गया था। तो दोस्तों, ऑल ओवर सब कुछ अच्छे से रहा, जो मूवी हमने देखी वो भी बहुत अच्छी लगी, काफ़ी हंसी वाली फिल्म थी। और आप लोग भी देखिएगा ज़रूर, गदर 2 भी देखिएगा और OMG 2 भी देखिएगा। वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।